हेलो गाइस, तो आज हम लोग लेक्चर 2 लेने वाले हैं कैलकुलस का। हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन करने का तरीका जो होता है बताया था कि जो रूल होता है ना डिफरेंशिएशन का, वो 3 रूल होता है। पहला होता है, हम लोग बात कर लिए थे पिछले लेक्चर में, पहला होता है प्रोडक्ट रूल, और दूसरा होता है क्वेश्चन रूल, और थर्ड जो हमारा होता है वो होता है चेन रूल। यही तीनों रूल पर हम लोगों का जो कैलकुलस है डिफरेंशिएशन वो आधारित है। अगर ये तीनों समझ में आ गया तो आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये सब में अगर आप लोग कंजूसी करोगे, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और सबसे इम्पॉर्टेंट है चेन रूल, ये तो हर जगह पाया जाएगा। इसको ये थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही ईजी वे में समझे, है ना, ट्रिक के साथ। हम लोग इसको ऐसा समझ लेंगे कि बिना कॉपी और पेन का हम लोग मुजबानी आंसर निकाल सकते हैं। ये मैं सिखाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन का बात ये है कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल ये तो अपने जगह में है। सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला लिखाया था जो डिफरेंशिएशन का, वो याद होना चाहिए आप लोगों को, याद हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि याद हो भी गया होगा। तो हम लोग चलते हैं। अगर फॉर्मूला पे अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रहा है, अगर मैं डायरेक्ट यूज़ कर लिया तो इसमें तो समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग, इससे बेहतर होगा कि यह लेक्चर तभी अटेंड करें जब आप लोगों को फार्मूला पूरी अच्छे तरीके से याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट रूल जैसा कि दिख रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि डिफरेंशिएशन करने बोला जाएगा, है ना, किसी के भी रिस्पेक्ट में, और दो फंक्शन रहेगा। सपोज दैट कि अभी हमने मान लिया कि यू और भी दो फंक्शन है। फिर क्वेश्चन रूल में हम लोगों का यह दिखा जाएगा कि किसी भी का डिफरेंशिएशन करने बोला जाएगा, और इसमें दो फंक्शन कैसा रहेगा, डिवाइड में रहेगा, है ना। दो फंक्शन का बात हो रहा है यहाँ पर, ऑलवेज दो फंक्शन होगा। या तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है तो हम लोग उसको प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, और अगर डिवाइड में होगा तो हम लोग कौन सा रूल बोलेंगे उसमें, क्वेश्चन रूल या फिर डिवाइड। तो हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट रूल को कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन रूल को करेंगे, फिर चेन रूल को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट रूल, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोग से मन से जो डर है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला पे जाएंगे, फिर हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल्स इट मीन्स क्वेश्चन करेंगे ताकि डर जो है खत्म हो जाए। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं चेन रूल के बारे में, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि ये हर जगह पर आएगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी जब हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर, बहुत सारा चैप्टर है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो ये सब तीनों का यूज होने वाला है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर ये अच्छे समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन में आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये मेरा गारंटी। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, है ना। तो जैसा कि दिख रहा है नाम प्रोडक्ट रूल, अभी मैंने बताया भी कि प्रोडक्ट रूल जो होता है, हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन रूल भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। ये रूल एक्चुअल में दो फंक्शन के बारे में बात होगा, और दो फंक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रोडक्ट, है ना, तो दोनों फंक्शन का क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। तो देखिए, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज दैट कि पहला फंक्शन है यू और दूसरा फंक्शन है वी, और किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करने बोल दिया जाए, हमने अभी माना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन प्लस बी को छोड़ो और यू का डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है उसके रिस्पेक्ट। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में बोला गया था, इसलिए हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में लिया है, है ना। तो गाइस, बहुत ही इजी है, आप लोग मन से डर को सबसे पहले खत्म कीजिए। प्रोडक्ट रूल जो होता है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया जा सकता है ना। तो हम लोग इजिली क्या फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, प्लस बी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है ना। तो आप लोगों से एक और, जैसे सपोज दैट यू भी का डिफरेंशिएशन करने बोला बोल दिया गया है, इस बार वाई के रिस्पेक्ट में बोला है ना, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला वही होगा, यू को छोड़ो भी का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में बोला गया है, प्लस फिर भी को छोड़ो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। तो ये डी एक्स डी वाई चेंज हो सकता है, क्यों, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है डिफरेंशिएशन करने, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। तो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, मन में 5-6 बार रट लीजिए कि
यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है उसी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये आप लोग याद कर सकते हो इजीली। अब हम लोग इसका ना एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं और कुछ हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे सपोज दैट कि क्वेश्चन हम लोगों का मिल गया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिख रहा है कि यहाँ पर दो फंक्शन है हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसको यू माने और किसको वी माने। तो इसका आंसर है कि आप लोग इसमें से किसी को भी यू और किसी को भी मान सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो हम लोग सपोज दैट कि पहला यू इसको मान लिया और दूसरा वी फंक्शन इसको मान चुके हैं, है ना। यू भी किसी को भी मान सकते हैं प्रोडक्ट रूल में, इसका यही खासियत है। आंसर में कोई भी डिफर नहीं आएगा और मैं अभी प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। एक बार इसको मैंने यू माना और एक बार इसको भी, एक बार फिर दूसरे में जब सॉल्व करूंगा तो इसको यू मान लूंगा और इसको भी मान लूंगा। देखिए तो क्या है फॉर्मूला के हिसाब से, यू को छोड़ो इट मीन्स साइन एक्स को जैसा का तैसा, है ना। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर भी देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी कौन है, वी के जगह में कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस, है ना। फिर वी को छोड़ो इट मीन्स कॉस एक्स को छोड़ो। फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यू किसके जगह में है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो ये हम लोगों ने लिख लिया, अब मेन मुद्दा आता है कि आप लोगों को फार्मूला याद है या नहीं है डिफरेंशिएशन का। याद है तो बनेगा, वरना आप लोग यहीं तक छोड़ के आइएगा फिर क्वेश्चन। देखते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो साइन एक्स जैसा का तैसा उतर जाएगा। इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो देखिए इसके जगह में माइनस साइन एक्स हो जाएगा। प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो वो जैसा का तैसा। इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, मुझे तो याद है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाला, दिक्कत है आप लोगों को। साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, है ना। प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं पहले प्लस को लिख दूँ बाद में माइनस को, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। देखिए अगर सपोज दैट कहीं लिखा हुआ है माइनस फोर प्लस टू, तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अब प्लस टू माइनस फोर, इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका भी आंसर आएगा माइनस टू, इसका भी आंसर आएगा माइनस टू, तो कोई डिफर हम लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ प्लस को पहले लिख दे रहे हैं और माइनस को बाद में, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका आंसर आ चुका है। तो हम लोग एक बार आपका मिथ को दूर कर लेते हैं कि यू और वी हम लोग क्या सच में वाकई में किसी को भी मान सकते हैं, क्या आंसर में कोई डिफर होने वाला नहीं है। तो देखिए हम लोग का जो आंसर आया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया ना, इसको आप लोग याद रखिएगा मन में। वैसे मैंने लिख दिया, एक बार इसको भी माना था, एक बार यू इसको माना था, अब मैं ना इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए इसको यू मान लिया और ये रहा इसको भी मान लिया, अब तो चेंज कर दिया ना फंक्शन को, अब भी आंसर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर आएगा, जरूर आएगा। देखिए क्या था, यू को छोड़ो यू किसको माने हैं कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स को जैसा का तैसा। डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी किसको माने हैं इस बार, साइन एक्स को। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। देखिए फिर प्लस वी को छोड़ो वी किसको माने हैं, साइन एक्स को, तो साइन एक्स को जैसा का तैसा। डिफरेंशिएशन ऑफ यू को, यू का डिफरेंशिएशन किसको माने हैं, कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देख रहे हैं आप लोगों को। अब कॉस एक्स को जैसा का तैसा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को जैसा का तैसा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए आंसर में कोई डिफर हुआ क्या, नहीं ना हुआ, सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट रूल में यही खासियत है कि आप लोग कोई भी फंक्शन को यू और कोई भी फंक्शन को भी मान सकते हो, आंसर में कोई भी डिफर नहीं आने वाला है ना। तो ये तो बात की बात है। अब मल्टीप्लीकेशन रूल में फार्मूला मेन मुद्दा है ना। फार्मूला याद है तो हो गया, और ये प्रोडक्ट रूल का तो फार्मूला आप लोगों को इजीली याद हो ही गया होगा कि पहला फंक्शन को छोड़ो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन को छोड़ो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है ना। अगर यू ही के टर्म में बोला जाए तो यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को छोड़ो और यू का डिफरेंशिएशन। तो ये तो बात की बात है, प्रोडक्ट रूल अच्छा खासा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन लूंगा नहीं क्योंकि ये तो 11th में भी पढ़ाया जाता है। हम लोगों का आज मेन मकसद है क्वेश्चन रूल, सॉरी चेन रूल। फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। प्रोडक्ट रूल तो अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, है ना। अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन रूल, इसको भी थोड़ा हम लोग देख ही लेते हैं क्या चीज़ है ये। क्वेश्चन रूल को एक्चुअल में इसको डिवाइड रूल भी बोल सकते हैं, डिविजन रूल, है ना।
दिख रहा है यहाँ पर, नाम से पता चल रहा है कि दो फंक्शन इस बार कैसा होने वाला है, डिवाइडिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसी के भी रिस्पेक्ट में बोला जा सकता है, पहला फंक्शन यू और नीचे वी। हाँ लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट रूल में हमने जैसा भी किया किसी को भी यू और किसी को भी वी माना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमेशा न्यूमरेटर को ही यू मानना पड़ेगा और डेनोमिनेटर को हमेशा वी। ये फिक्स है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि किसी को भी इसमें भी यू माननी है और किसी को भी वी माननी है, तो लपेटा में आ जाएगा फिर आपका, है ना। अच्छा खासा लड्डू मिलेगा घर में भी, और एग्जाम हॉल में भी जो मार्क्स आएगा उसमें भी मिलेगा, घर में तो लंबा डंडा गुलाब जामुन खाने को मिलेगा। तो डिवीजन रूल जो होता है वो क्या होता है कि ये दो फंक्शन कैसा होगा, डिवाइड में होगा, दिख रहा है जैसा कि। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए, वी को छोड़ो, इट मीन्स नीचे वाला को छोड़ो, यू का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है माइनस, उसमें प्लस होता था और इसमें माइनस, ठीक है। फिर यू को छोड़ो, वी का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर, इट मीन्स वी का स्क्वायर, है ना, दिख रहा है ना। तो अगर वाई के रिस्पेक्ट में बोलता तो यहाँ डिवाइड डिवाइड हो जाता, ये तो आप लोग अच्छे खासे समझ चुके हो। तो यू और यू बाई वी के फॉर्म में अगर हो, इट मीन्स क्वेश्चन रूल हो, तो हम लोग हमेशा ऊपर वाला को यू और नीचे वाला को वी मानते हैं। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, वी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला है अपॉन वी का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देख रहे इस बार दो फंक्शन है हमारे पास, है ना। तो दो फंक्शन जो है वो इस बार देखिए डिवाइड में है, साइन एक्स ऊपर और नीचे कॉस एक्स। तो हम लोग क्या बोले कि ऊपर वाला को यू मानना है और नीचे वाले को वी मानना है। तो फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, वी को छोड़ो इट मीन्स कॉस एक्स, तो जैसा का तैसा डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इट मीन्स साइन एक्स जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, फिर क्या होता है माइनस, फिर यू को छोड़ो, यू कौन है साइन एक्स को छोड़ो, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी, वी किसको माने हैं कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में बोला गया था ना, अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर इट मीन्स वी का स्क्वायर, वी की जगह में कौन है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर इट मीन्स क्या होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मेन प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएशन होगा जो कि फॉर्मूला याद नहीं है, तो है ना, बाकी तो डिफरेंशिएशन अपने पे है। कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो जैसा का तैसा, ये तो ब्रैकेट में होगा ना क्योंकि माइनस तो इधर है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर इट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगला टर्मिनोलॉजी जो हमारा आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दिख रहा है। तो अब हम लोग ऊपर वाले टर्म को थोड़ा रफ करते हैं ताकि क्या आ गया, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है वन होता है ना, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दिख रहा है। अब इसको लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो वन बाई कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स का होल स्क्वायर, इट मीन्स क्या आएगा आंसर सेक स्क्वायर एक्स। इसका आंसर ना आप लोगों को पहले से पता था, बुलाए हम लोगों को तो नहीं पता था, पता था देखिए जब मैंने दिया था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये आप लोगों का डिफ्रेंशिएशन का डायरेक्टली फॉर्मूला था। कैसे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लोगों को पता था ना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आप लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हो। उसी तरह से आप कॉट एक्स को भी लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका भी अपॉन यू यू बाई वी के फॉर्म में करके देखिए कितना आएगा, कॉट एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने बोला, क्या क्या पढ़ाया है ना। तो आज हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ पढ़े हैं, इसमें ज़्यादा पहाड़ वाला बात नहीं है, क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल, वो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे तो वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला पे आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, कि प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या था, इसमें था यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को छोड़ो यू का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। लेकिन यू बाई वी का फार्मूला में क्या था,
भी को छोड़ो, इसमें यू को छोड़ते थे ना पहले वाले को, इसमें भी को छोड़ो और यू का डिफरेंशिएशन माइनस था इसमें, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस, फिर यू को छोड़ो भी का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो दोनों में प्रॉब्लम क्या था, डिफरेंस क्या था कि ऊपर वाले में यू भी में इट मीन्स प्रोडक्ट रूल में जो था हम लोग किसी को भी यू और किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन रूल में ऐसा नहीं है, ऊपर वाला हमेशा फिक्स है कि यू होगा और नीचे वाला भी होगा। ठीक है, बाकी फार्मूला पे ध्यान दीजिए आप लोग, बार बार बोल रहा हूँ कि फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ा बात नहीं है ना, वो आप लोग कर सकते हो फार्मूला अगर याद रहा तो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है चेन रूल को हम लोग कवर करेंगे और इसका फुल बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना हम लोग एक मज़ेदार ट्रिक से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि हम लोग इजीली मुंजबानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों का बहुत हेल्पफुल होगा चेन रूल, और ऐसा नहीं है कि चेन रूल ही आएगा, चेन रूल में ये भी घुस जाएगा और ये भी घुस जाएगा, हम लोग बाद में हम लोग इसका न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही।